This is Brand Max Network India and you are watching News India Now. जालंधर के थाना डिवीजन के क्षेत्र में पड़ते दाना मंडी के गेट के सामने एक निजी कॉलेज की बस चालक जो कि नशे में धुत होने के कारण बस सीधी पेड़ से जा टकराई। सबसे बड़ी बात ये रही कि बस में कोई स्टूडेंट नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। बस चालक जगदीश सिंह वासी मिठू बस्ती ने आज सभी स्टूडेंट को उतार कर वापस जाते वक्त रस्ते में उसने शराब पी ली, जिस कारण ये हादसा हो गया। मौके पर पहुंचे थाना 2 की पुलिस के प्रभारी मनमोहन सिंह ने बस और ड्राइवर को काबू कर थाने में ले आई है। रिपोर्टर सनी कुमार व शिवर वंशी की न्यूज इंडिया नाउ के लिए रिपोर्ट। की नाम है अपना जी? मोबीन। कितने रहने वाले? इतने तुम जो अड्डा ला रहे हैं, एक परमिशन लेते से किसी को रोड के उत्ते लगा रहे कि लेती उन्होंने कोई पर्ची कटाई है? हाँ, पर्ची भी मेरे को। किन्ने की पर्ची? 1500 रुपये पर मंथ जी। महीने की? हाँ महीने की। तो नहीं ला सकते मुश्किल आया ना, उन्होंने मुश्किल आया 1500 रुपये की पर्ची कटाई और कहीं आ के ला लो। पहला भी ला दी। अज की होया? अज तो कुछ भी, आप बैठ गए थे, बैठे थे उधर अड्डे के पास में, ड्राइवर ठीक आ रहा था, उसने गाड़ी लगा के पेड़ में। आपका क्या क्या नुकसान है? मेरा टूटा है, दो तरफ को टूटे हैं, नाल खराब हो गया। दोस्तों चोट तो नहीं लगी किसी को? नहीं, चोट तो नहीं। कितने का? 2560 जी। सर की मामला इन्फॉर्मेशन मिली थी कि HMP कॉलेज तो थोड़ा जहाँ पिछले एक बस ड्राइवर जोड़ा कि नशे की हालत गड्डी चला के आ रहा बस कॉलेज की, तो पहलों भी किसी के मारन लग्या, तो अगे आ के उन्हें एक पेड़ लग सगा सड़क के बच्चे एक कॉर्नर के वे मारी है, जिसे पेड़ की एक साइड पर एक नारियल वाला बैठा हुआ सी वह भी थले आ सकता सी, जिन्हों काबू किया है, तो वह मेडिकल करा के भी कानूनी कार्रवाई करा। सर जिम्मे नारियल कितने बैठा है? नारियल भी अनलीगल बैठा जो फुटपाथ से नारी नहीं ला सकता जी, वो म्यूनसिपल कारपोरेशन का काम है जी, ये बारे वो तुम दस। जिम्मे अजक चर्चा हो रही जी नशा बंद हो गई जी, नशा इस बंदे ने नशा किया है काफ़ी हद तो वध किया है, इसका मेडिकल ग्राउंड तो पता लगेगा इन्हें की नशा किया है, इस की आंदा है जो आएगा वो बड़ी कारण। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.